तो हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लोरर ऑफ दिस वर्ल्ड और वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। और आज है हमारा नैनीताल में डे टू और कंटिन्यू करेंगे नैनीताल के 11 पॉइंट्स जो थे जहाँ पे हमने रोका था आपको। तो अब हम जा रहे हैं, पहला पॉइंट जो अभी है वो है खुरपाताल। तो चलते हैं खुरपाताल और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है। पवन भाई है अंदर उस कार में, ये हमारी नहीं है। तो चलते हैं पवन भाई के साथ खुरपाताल देखने और आपको भी दिखाते हैं। चले भैया चलते। She's so bad, just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hits, one day they gon' worth a meal. I see it, I want it, I get it, who gives a damn about a bill? I take it to the back of the room, now tell me how you feel. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills. I make a lot of hits, one day they gon' worth a meal. I see it, I want it, I get it, who gives a damn about a bill? I'm gone, I'm out of this stratosphere. She told me. तो गाइस वो था वो रास्ता वहाँ हमारी कार हुई है पार्क। और यहाँ से आप देखिए कितना खतरनाक टर्न है और एरिया और क्या बोलते हैं व्यू बहुत अच्छा है। और अभी हम जा रहे हैं खुरपाताल देखने, तो चलिए चलते हैं वहाँ पे जूस वगैरह। ये गन से आप शॉट देख सकते हो उन बॉटल्स पे, लेट मी जूम, उन बॉटल्स पे आप शॉट लगा सकते हो, काफी दूर है। तो अब हम आए हैं खुरपाताल। खुरपाताल को खुरपाताल इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो ताल है इसका जो आकार है शेप उसका शेप खुरपाताल व्यू पॉइंट है। इस पे क्या है कि ये लेक गाय की खुर के आकार के इसलिए से खुरपाताल कहते हैं। और यहाँ के जो आप जो है गांव ग्रामीण एरिया है तो उसमें नाव बोटिंग वोटिंग कुछ भी नहीं होती है, इससे पानी जो है खेती के लिए यूज करते हैं। तो ग्रामीण हाँ सीढ़ी यहाँ पे जो है सीढ़ी नुमा खेत होते हैं पहाड़ों में, जैसे तो पहाड़ों में हर जगह वही होता है। आप ये देखिए नजारा देखिए, वही वो ताल है। ओके वो जो आप देख रहे हो वो ताल है खुरपाताल, इसका आकार गाय के पैर जैसा है, खुरप जैसा, इसलिए उसको बोलते हैं। इतना नहीं आ रहा होगा, काफ़ी दूर है हम लोग। ये देखिए जूम करके इतना ही दिखा सकते हैं। तो ये होगा हमारा खुरपाताल का पॉइंट जो था, ये भी कंप्लीट हो गया। छोटा सा ही पॉइंट है, बहुत ज़्यादा कुछ बड़ा खास नहीं। तो यहाँ पे ऐसे जो नैनीताल के 11 पॉइंट्स कवर होते हैं ये ऐसे ही थोड़े, मैं बैठ जाता हूँ पहले भैया, मैं गया हूँ थक। ठीक है, तो ऐसे ही छोटे मोटे पॉइंट्स हैं यहाँ पे जो 11 पॉइंट्स घुमाते हैं ये लोग नैनीताल में। तो उसके लिए हमने एक ऑल्टो बुक की थी, ऑल्टो हमारी बुक हुई है सिर्फ 1500 में, हम चार लोग हैं और 1500 में हमने ऑल्टो बुक की है। तो अगर नैनीताल के 11 पॉइंट्स घूमने हैं तो 1500 से ज़्यादा मत दीजिएगा। अभी पीक सीज़न नहीं है, पीक सीज़न में थोड़ा सा शायद 2000 इनफ है, 1800-2000 इनफ है, इससे ज़्यादा 2000-1800 से ज़्यादा मत दीजिएगा पीक सीज़न में भी, क्योंकि पीक सीज़न ऑफ सीज़न में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं रह गया। टूरिस्ट बहुत भरे पड़े हैं यहाँ पे, कोई ऑफ सीज़न जैसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यही था खुरपाताल। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। पवन भाई हमें बताएंगे नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है, फिर वहाँ से जो लास्ट में हमने छोड़ा हुआ था शुरुआत में उस पॉइंट की तरफ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं पवन भाई के साथ आगे और मिलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यही है यहाँ का व्यू खुरपाताल का, वो रे खुरपाताल आपको दिखेगी नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है वीडियो में जूम वूम करके, तो खुरपाताल के बारे में बता भी दिया है। तो अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। बस ऐसे ही दिखाने, खुद को दिखाने के लिए ये क्लिप मैंने ऐड की है और अरुल भाई शूट कर रहे हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं दूसरे पॉइंट और अभी बज रहे हैं 1 और हम निकले थे 10:30 या 11:15 बजे। तो हमारे अभी 1-2 पॉइंट और बचे हैं और हमने काफ़ी फोटोज़ वगैरह में टाइम लिया। अदरवाइज़ ये सब पॉइंट्स मुझे लगते हैं 2.5 से 3 घंटे इनफ है ना घूमने के लिए, छोटे छोटे पॉइंट्स में इनफ है। और बाकी चीज़ें मैंने आपको डिटेल्स दे ही दी है, चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे, आपको दिखाते हैं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है। तो जैसा कि मैंने कुछ देर पहले बताया था कि हमने एक ऑल्टो बुक की है पवन भाई के साथ, ये पवन भाई। तो आप लोगों को कभी भी आना हो नैनीताल और ये सब पॉइंट्स वगैरह घूमना हो तो पवन भाई का नंबर हम स्क्रीन पे डाल दे रहे हैं,
ठीक है, आप वो नंबर इनसे डायल कर लीजिएगा और हमारा नाम बता दीजिएगा, ठीक है, हमारे चैनल का नाम बता दीजिए, तो उनसे जो हो सके वो कंसेशन वगैरह डिस्काउंट वगैरह देख लेंगे, ठीक है, चाहे पीक सीजन हो ऑफ सीजन हो वो अपने हिसाब से देख लेंगे, ठीक है। तो यही है पवन भाई, इन्होंने बहुत अच्छे से घुमाया, बस हमारे एक दो पॉइंट्स और बचे वो हमें घुमा के फिर हम लोग लेंगे अलविदा। और पवन भाई ने बोला आते रहना, हमने कहा बिल्कुल आते रहेंगे, हम नहीं आते रहेंगे तो हमारे जो दोस्त हैं यूट्यूब फैमिली हमारी वो ज़रूर आती रहेगी, आपसे मिलती रहेगी, ठीक है। चलिए इनका नंबर दे देता हूँ और आप लोग ज़रूर रहिए, इनसे कॉन्टैक्ट करिए अगर घूमना है तो। बाय। ये देखिए, देख सकते हो यहाँ पे लंगूरी बंदर अभी हैं और काफ़ी हैं, ये देखिए ऊपर हैं, चार हैं, बड़े कुछ नहीं बोलते, चुपचाप से देखा करते हैं, लेकिन इनको छेड़ दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं छेड़ोगे तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। She gone, tell me how you feel, baby girl, I am you now. She's so bad, she just wanna fucking smoke and pop them pills.